शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सबको छुपे क्यों हो? बाहर आओ। काय को बंकस कर रहा है इंस्पेक्टर? इतना आवाज करेगा तो ये शंभू तो क्या मंदिर वाला शंभू भी बाहर आ जाएगा। ओ, तो तुम शंभू हो? बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे नाम के। चर्चे तो ऊपर वाले के हैं, आप तो मामूली आदमी हैं। क्या काम है साहब? काम तो वही है जो सपेरे को सांप से होता है। पर अब उनको ये तो बताओ कि सपेरा कौन है और सांप कौन है। वही बताने आया हूँ। मेरी इस इलाके में पोस्टिंग हो गई है और मुझे दादागिरी से सख्त नफरत है, तो मैं खबरदार करने आया हूँ। आप उन भी तुमको खबरदार करता है साहब। जल्दी से अपना ट्रांसफर करा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। शराब, तुम जैसे उठाईगिरी मैंने बहुत देखे हैं। देखो साहब, उठाईगिरा मत बोलो, ये आपन का बस्ती है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। और पुलिस की वर्दी में कुछ दिल भी बहादुर हो जाता है साहब। इतना घमंड है अपने आप पर। ठहरो, लो आप तो वर्दी भी नहीं रही। अजमाले किसके बाजियों में ज्यादा दम है? काय को आपने जवानी से दुश्मनी करते हो, शेर से पंजा लड़ाना चाहते हो? Thank you.
हेलो, कौन? अरे हाँ भाई साहब, आप? हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, एक मिनट। अनिल बेटा सुनो तो। जी मम्मी। तुम्हारे डैडी से कहो कि कर्नल साहब का फोन है। हाँ डैडी। डैडी। हाँ बेटे। आपके दोस्त कर्नल साहब का फोन है। अच्छा, शायद फ्रेंड से होगा। अबे उल्लू की दुम, तेरी पुरानी आदत गई नहीं है? वो फ्रंट नहीं, यहाँ स्पेशल ड्यूटी पर आया हुआ है, समझे? हाँ दीदी, कैसी है? और बच्चे? लो। हाँ जी, एक मिनट। हाय कर्नल, बोलो क्या हो रहा है? अरे तुम पुलिस वाले तो सिर्फ सीटियां बजाते रहते हो, काम तो हम मिलिट्री वाले करते हैं। ठीक है यार, ज्यादा भाव मत खाओ। तुम ये बताओ कि तुमने क्या तीर मारा है? तीर नहीं, तोप मारी है। वो चारों मुजरिम जिनकी सरदी पुलिस को तलाश थी, मैंने उनकी तस्वीरें नहीं बल्कि सारे डिटेल का पता लगा लिया है। ठीक है, मैं फाइल लेने खुद आ जाता हूं, इसी बहाने भाभी और बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। भाई बेटा तो स्कूल गया है, कोई बात नहीं, तुम्हारे आने तक वो भी पहुंच जाएगा। कहिए बहन जी और अनिल को भी लेते हैं। भाई तुम्हारी भाभी कह रही है। हाँ भाई, समझ गया समझ गया समझ गया, मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ आऊंगा, वेल प्रिपेयर। मम्मी मैं बाहर जाकर अनिल का इंतजार करती हूँ। बेटी उसके आने में अभी देर है। अरे सावित्री, इसे जाने भी दो। अच्छा जा, जा। जाओ बेटी। सावित्री जी। जी। आप हमारे लिए एक फर्स्ट क्लास काफी बना देंगी, बगैर शक्कर के। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। प्लीज चलिए चलिए प्लीज चलिए। हमारे बारे में इतना जानता है जितना हमें खुद याद नहीं। हाँ सुन, पहले तेरा खाता सुनाता हूं। राणा कई होटलों में हिस्सेदार है, चरस इकट्ठी करता है और पिंटो को बेचता है। पिंटो चरस को अपनी लॉन्च के जरिए विदेश भेजना, शराब और औरतों का शौकीन। औरतों का नहीं करना साहब, लड़कियों का। ठीक है ठीक है, अब मेरा खाता भी सुन लो। जगदीश कुमार उर्फ जेके, यतीम और गरीब लड़कों को पाल पोस कर बदमाश बनाता है, हर तरह के जुर्म करता है और करवाता है। अंडरग्राउंड की दुनिया का बादशाह कहलाता है और इसके बाद संग्राम। अपना खाता अपन खुद पड़ेगा। हाँ, संग्राम सिंह, पहाड़ी कबीले का रहने वाला चोर, स्मगलर, खूनी, दरिंदा, कितना खतरनाक है, ये बात मानिक मर्डर केस की डिटेल से साबित होती है जो उसने 15 अप्रैल को किया था। कर्नल साहब, साली इतनी डिटेल तो अपन को भी नहीं मालूम, कहां से पता किया? वेरी नॉटी मैन। बोलो बड़े भाई। छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो।
एक मार डाला। किसे? गिना भाग। ये सारा तो डूब गया। चलो। और लड़का भी नदी में डूब गया। लड़की भी नहीं मिली। लड़की भी नहीं मिली। और अब तुम भी जाके डूब जाओ। जा। लड़की कहाँ है? कहाँ? हासन इसके दिमाग पर गहरा असर डाला है। अगर ये सब बातें भूल जाए तो अच्छा है, वरना एक मिनट देखिए, जब भी इसे सब बातें याद आएंगी केस बहुत खतरनाक हो जाएगा। ओ माय गॉड, डॉक्टर इसका कोई इलाज? इसका एक इलाज है मोहब्बत। आप लोगों का मोहब्बत भरा माहौल, मैं समझता हूं कि इसकी मोहब्बत ही एक दवा है। आई सी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं गीता बेटी और अनिल की परवरिश में कोई फर्क नहीं रखूंगा। क्या हुआ बेटी? यू ही सपना देख रही थी। सपना? बेटे सपने कभी सच्चे नहीं होते। हाँ, कभी सच्चे नहीं होते। वेरी गुड, सो जा, सो शाबाश, शाबाश। सर, चले हुए मकान से कर्नल और उनकी पत्नी की लाशें मिल गई हैं। कातिल कौन है ये शायद गीता ही बता सकती है। मगर डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है इस हादसे के बारे में गीता से कुछ न पूछा जाए। लेकिन सर, तफसील के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन तफ्तीश के लिए मैं गीता बेटी की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम ऐसा करो, कर्नल के बेटे बंटी की तलाश करो। जी, वो इन कातिलों के बारे में जरूर कुछ कुछ जानता होगा। अबे चल सीधा, चल चल अंदर। राम राम बाप। अरे तेरी माँ आई थी मेरे पास। अरे बाप, क्या बात कर रहे हो? कौन है ये पिल्ला? अरे बाप, अपने को दो रोज पहले यह दरिया किनारे बेहोश पड़ा मिला, अपन उठा के इधर ले आया, सब कुछ भूले रहा बस। गुड, ये तो हमारे बहुत काम की चीज है। क्या नाम है इसका? अरे बाप, अपना नाम तक भूले ला। वेरी गुड। इधर आ बेटा, तेरा नाम क्या है? शंकर है बस। गुड, आज से हम इसका नाम शंभू रखते हैं, शंभू। Thank you.
बार बार क्यों आता है? ये बार बार क्यों आता है? डैडी, 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 मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड। भगवान करे मेरा बेटा दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करे। आशीर्वाद दीजिए माँ। देखती जाओ भगवान, ये 5 साल में इंस्पेक्टर से डीआईजी पुलिस बन जाएगा। लेकिन बेटे तेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है? अरे धरावी में। धरावी काफी खतरनाक इलाका है, खास तौर पर वहां का एक दादा बहुत बदमाश आदमी है। कौन है वो? शंभू। शंभू तुम? अच्छा हुआ कि व्हील चेयर पर आए हो। तेरे वास्ते लाया है ताकि तुमको अस्पताल जाने के लिए तकलीफ ना हो। अबे वो ढक्कन, तेरे को बचाने के लिए अपन 6 महीने के लिए अंदर गया, सारा इल्जाम अपने सर पर लिया और तू अपना वादा भूल गया। कौन सा वादा? हमने कोई वादा वादा नहीं किया है। अबे काय को बंकस करता है, तेरी वजह से एक मासूम लड़की की बारात लौट गई, तेरी वजह से बेचारा अल्बर्ट चाचा बिना दवा के मर गया। क्या शंभू, तुम फिक्र मत करो, तुम बिना दवा के नहीं मरोगे। मिस्टर राणा, चाल कालू, निकाल 10,000 रुपए, 5 असल के और 5 आपुन के यहां आने का फीस। गिल्लो, पूरे 10,000 रुपए हैं। आपकी तारीफ? मैं ही इस बेईमान का बॉस हूं, लेकिन ईमानदारी मेरा पहला असूल है। आज से कालू की जगह पे तुम मेरे साथ काम करोगे, काम मेरा और कीमत तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। चाची तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटा। अच्छा, अरे कौन है बे? अरे शंभू, तू कब जेल से आया? आया तो आज ही हूँ, पर आपन को लगता है कि तू फिर अंदर कराने के चक्कर में। शंभू मुझे बचा ले, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? हाँ। पीछे लगे रहते हैं, चल घुसा। क्या बात है भाई, बहुत जोरों की परेड हो रही है। अरे हम एक लड़की का पीछा कर रहे हैं यार। कमाल है, कोई लड़का लड़की का पीछा करे तो आप जेल के अंदर भेज देते हैं, अब आप लोग पीछा कर रहे हैं तो आपको कहाँ डालें? अरे यार वो एक पर्स चोरी करके भागी है मेरी आंखों के सामने से, समझा? हाँ, गई कहाँ? जिसका पर्स चोरी हुआ है वो तो दिखाई नहीं देते जी। मगर आप लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्या बात है? हमारी ड्यूटी है। सुनो, हाँ, ये हिलता क्यों है? इसके अंदर मुर्गी है। मुर्गी है? कब पकाओगे? बेचारी अब तक तो पक गई होगी। कब खाओगे? तुम अपनी ड्यूटी अपने हद तक ही रखो, समझे? और सुनो, तुम सारा भाषण वहीं से खड़े खड़े कहो, मैं सुन सकता हूँ। हाँ। तो सुनो, अब शंभू बस्ती में वापस आ गया है, बस्ती की देखभाल खुद ही कर लेगा। तो तुम भी कान खोल के सुन लो कि अब इस इलाके में एक इंस्पेक्टर नया आ गया है जो मुझसे ज्यादा भी सख्त है। अरे आपन बड़ा से बड़ा इंस्पेक्टर को देखेला है, ये भी चंद दिनों का मेहमान है, उससे जाकर कह दो
शंभू जब आ गया ना, इस बस्ती में आप उनका ही हुकूमत चलेगा। शंभू की मजान क्या हो गया? अबे जुबान कम चला, हाथ चला। शाबाश। अबे तू रुक क्यों गया? अरे किंग कॉन्ग, मुझे दर्द ऊपर है, तेरे हाथ नीचे क्यों जा रहे हैं? बात क्या है? तेरे हाथ मुलायम कैसे हो गए? जरा जोर लगा। अब सूखा ही मलता जा रहा है, जरा तेल तो लगाना। अरे शाबाश, वाह 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 वाह, मजे आ गए। जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। अरे ये बिल्ली की तरह क्या ना हो जाए? अरे बिजली, ये क्या कर रही है? छोड़। आज गिर कर ही रहेगी। अरे क्या करती है, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, तू जेल जाता है और मैं चलती रहती हूँ। आज हाथ में है और फिसल रहा है। अरे कोई देख लेगा, छोड़ दे। अच्छा कोई देख ले, भगवान करे पंडित जी देख ले, तो जल्दी हमारी शहनाई बच जाएगी। पुलिस, शंभू, शंभू बाहर आओ। साला अपन भी कितना शंभू बाहर आओ। जब भी कोई काम बनने लगता है पुलिस बीच में आ जाता है। शंभू छुपे क्यों हो, बाहर आओ। काय को बंकस कर रहा है इंस्पेक्टर, इतना आवाज करेगा तो ये शंभू तो क्या मंदिर वाला शंभू भी बाहर आ जाएगा। ओ, तो तुम शंभू हो, बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे नाम के। चर्चे तो ऊपर वाले के हैं, अपन तो मामूली आदमी है। क्या काम है साहब? काम तो वही है जो सपेरे को सांप से होता है। पर अपन को ये तो बताओ कि सपेरा कौन है और सांप कौन है। वही बताने आया हूँ, मेरी इस इलाके में पोस्टिंग हो गई है और मुझे दादागिरी से सख्त नफरत है, तो मैं खबरदार करने आया हूँ। अपन भी तुमको खबरदार करता है साहब, जल्दी से अपना ट्रांसफर करा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। शराब, तुम जैसे उठाईगिरी मैंने बहुत देखे। देखो साहब, उठाईगिरा मत बोलो, ये अपन का बस्ती है। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, और पुलिस की वर्दी में कुछ दिल भी बहादुर हो जाता है साहब। इतना घमंड है अपने आप पर। ठहरो, लो आप तो वर्दी भी नहीं चाहिए, अजमाले किसके बाजुओं में ज्यादा दम है। काय को आपने जवानी से दुश्मनी करते हो, शेर से पंजा लड़ाना चाहते हो। चौकी अंदर और इंस्पेक्टर बाहर, मैं अंकल से जरूर शिकायत करूंगी। और साथ में ये भी कह देना कि झोपड़ पट्टी गया था शंभू दादा को सबक सिखाने। शंभू दादा? वो रहे,
तुम्हारे हाथ में तो खून बह रहा है। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, ऐसा लगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा नहीं, जैसे किसी बहन ने भाई को राखी बांधी हो। क्या है ना, आप उनका कोई बहन नहीं ना, इसलिए मुझे अपनी बहन बना लो। मेम साहब, अपन बहुत छोटा आदमी है, एक गरीब भाई अपनी बहन को क्या दे सकता है? ये एक रुपया है, मिठाई खा लेना। ये मेरे लिए 1,00,000 रुपए के बराबर है। गीता, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इस गुंडे को अपना भाई बना रही हो? क्यों, गुंडे की कोई बहन नहीं हो सकती, गुंडे की कोई माँ। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू। क्या है ना मेम साहब, दुनिया अपन को नहीं पहचाना। बाहर से चट्टान दिखता है ना, लेकिन दिल दिल तो मोम का रखता है ना मेम साहब। लगता है जिंदगी में तुम्हें माँ बाप भाई बहन किसी का प्यार नहीं मिला। मिल गया मेम साहब, आज मिल गया। इसके एक एक धागे में बहन का प्यार है। शंभू, आज का ये सबक तुम्हारे लिए काफी है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। अगर आप सिर्फ अनिल बाबू होते तो माँ कसम मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, मगर हमारे बीच में ये वर्दी आ रहा है। अच्छा साहब, फिर मुलाकात होगी। सुना, आइंदा हमारी मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा है कि जिंदगी के किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं मुलाकात तो होगी ही। अच्छा मेम साहब, रामन साहब। आदमी तो शरीफ लगता है। शरीफ? और ये, अरे ये तो पैसे के लिए किसी का खून भी कर सकता है। ये लो पैसा, लो शादी की तैयारी करो। आप उन लड़के वालों के पास जाकर साफ बात तैयार करके आए हैं, अगले सोमवार को वो लोग बारात लेकर आने वाला है, जाओ तैयारी करो। सुना है शंभू अपने इलाके में एक छोकरी की शादी करवा रहा है, उसकी सुहाग रात तो अपने यहां होगी। कालिया को साथ में ले जाओ, अगर शंभू रास्ते में आए उसको खत्म कर डालो। ओके बॉस। ससुर को माँ बाप समझना, बिन कहे पति की हर बात समझना, और अगले बरस में तेरी गोद भरेगी, हर दिल पर जाके तू राज करेगी। का दिल हर दम बे
बहलाना होगा, फूलों से वो गुलशन सजाना होगा, ये जन्मों का बंधन निभाना होगा। छूटेंगे दिलदार मिलेगा, ससुराल में तुझको हर प्यार मिलेगा, उस द्वार से भी दुख अब दूर रहेंगे, जिस द्वार से बहना तेरा द्वार मिलेगा। अपने मंदिर बनाना होगा, मन मंदिर में भी को बिठाना होगा, ये जन्मों का बंधन निभाना होगा। मन बलिए नि बलिए नि बलिए, चल चलिए नि सजना नि चलिए, मन बलिए नि बलिए नि बलिए, चल चलिए नि सजना नि चलिए। छोड़ के अब जाना होगा, ये जन्मों का बंधन निभाना होगा। बलिए नि बलिए नि बलिए, चल चलिए नि सजना नि चलिए, बलिए नि बलिए नि बलिए, चल चलिए नि सजना नि चलिए, बलिए नि बलिए नि बलिए।
बहार हो या रहे खिजां का जमाना फसले बहार हो या रहे खिजां का जमाना अब तो हर जमाने में अब तो हर जमाने में साथ निभाना सितम भूल भूल के दिल के करीब दिल के करीब आके सुन दिल का तराना दिल के करीब आके सुन दिल का तराना तुझसे मिलके क्यों था बच्ची वो भी पानी के बाहर और वो भी सोनेगी क्या बात है जाने कमाल है ना चिल्लाती है ना कुछ बोलती है ऐसे वक्त पे मैं मुंह नहीं खोलती मैं हूँ नारी लेकर आया हूँ शर्मा रही हो फुर्सत मिल गई अपने दोस्तों से मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अरे अरे उन दोस्तों को रुख्सत करना भी तो जरूरी था ना डालिंग वरना मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए कितनी तरस रही थी बचपन से तो देखते आ रहे हो आज कौन सी नई बात है मैं तुम्हारे और मेरे चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ बाकी सब कुछ तो नया है ना डालिंग मेरा मतलब है कि इस कमरे की तनाई में ये पलंग इस पलंग पे सजे हुए ये फूल जो हमें जिंदगी के पुराने रास्ते से हटाकर
एक नए रास्ते पर ले जाएंगे। कौन सा रास्ता? जिस पर चलते हो ना तो तुम रहोगी ना मैं रहूंगा। ये राह जिंदगी में एक ही बार आती है और जिंदगी भर के लिए छा जाती है। वो कैसे? बताऊं? क्या पुन अंदर आ सकता है? अंदर तो आ ही गए हो, अब हमारी इजाजत लेने का मतलब शराफत का तकाजा है। हमारी माँ ने मेरे जन्म से 15 मिनट पहले तुम्हें जन्म दिया था, इसलिए उम्र में तुम मुझसे बड़े हुए, और बड़े भाई की इज्जत करना छोटे भाई का फर्ज है, वरना कौन उल्लू का पट्टा तुम्हारी इज्जत करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। शराफत किस चिड़िया का नाम है, ये मुश्किल सबक किसी ने सिखा दिया तुमको? एनीवे, यहाँ पर अचानक इस वक्त टपकने की वजह वो भी बता देता हूँ बड़े भाई, लेकिन सबसे पहले अपने घर में आए हुए मेहमान को आप एक ग्लास विस्की नहीं पूछेंगे? सुना है कि जब आपके घर के नलके खुलते हैं तो उसमें से पानी की जगह विस्की टपकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर के अंदर जितनी गंदी नालियां हैं, बदबूदार गटर हैं, उन सब में से विस्की बहती है, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं मिलेगी। अब काम की बात करो और जो दरवाजे से आए हो उस दरवाजे से लौट जाओ, मुझे और बहुत सारे काम है। मैं तो यहाँ थूकने भी नहीं आता, वो तो क्या एक जरूरी काम आन पड़ा इसलिए मुझे यहाँ पे टपकना पड़ा। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। आयाशी के लिए? पड़ गया ना सांस का दौरा। आयाशी के अलावा तुम भी कौन से नए काम करते फिरते हो मिस्टर जेके? चोर का भाई गिरे कट। मैं आयाश, मेरा बाप भी आयाश, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह काला थोप कर अपने सफेद बाल काले नहीं किया करता था। मैं तुम्हें 10,000 रुपए तो क्या 10 पैसे भी नहीं दूंगा। तुम आदमी तो काम क्यों? सुनो, मैंने जिंदगी के अंदर अपना लेन देन बिजनेस की ऐनक के साथ किया है, तुम अगर मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो मैं ये 10,000 रुपए तुम्हें पेशगी के तौर पर दे सकता हूं। ये तो मैं पहले ही जानता था कि तुम कितने कुत्ते हो। अपने मतलब के लिए तो तुम गधे को भी बाप बना लो, मैं क्या चीज हूं। खैर, भाई हो इसलिए मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो फिर मैं तुम्हारी जरूरत भी पूरी कर सकता हूँ। 10,000 रुपए चाहिए ना? मिल जाएंगे। बिजनेस पे उतर आए हो तो मैं भी बिजनेस की बात करता हूँ। मुझे 10,000 रुपए नहीं, अब 15,000 रुपए पेशगी में चाहिए, और बाकी का हिसाब मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है, 15,000 भी दे दूंगा। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन काम में आएगा उल्लू के पट्टे? अरे बेटे, ये हनीमून और कितने दिन मनाओगे? अब भी डैडी कमाल की बातें करते हैं। पिता, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पांडे, आओ नाश्ता करोगे? नो थैंक यू सर, एक जरूरी खबर लाया हूँ सर। सीआईडी डिपार्टमेंट वालों ने एक ऐसे गैंग का पता लगाया है जो चरस और अफ्यून मुल्क से बाहर भेजता है। खबर है सर कि आज उनका माल होटल रॉक एंड रोल से बाहर जाएगा। कोई खास आदमी जो इसमें शामिल हो? उस होटल के एक पार्टनर मिस्टर राणा पर शक है। मैं उसका एक फोटोग्राफ भी लाया हूं। दिखाना। यस सर। जरा दिखाना बेटे। तुम्हें काम करो, शाम को इस होटल पे घेरा डाल दो और मैं भी आऊंगा वहां। ओके? यस सर।
ने चारों तरफ से आप उनको घेर लिया है। शंभू, लगता है आज हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अरे गीता, तुम आप हमारी मदद कैसे करेंगी? मैं तुम्हारा माल बाहर निकलवा दूंगी। वैसे मिस्टर राणा, फंस तो तुम चुके हो, क्यों ना मुझ पे भरोसा करके देखो। वैसे आपकी तारीफ। मैं इंस्पेक्टर अनिल की पत्नी हूँ, मुझे चरस और हफीम खाने का शौक है। मेरे पति की तनख्वाह से ये शौक पूरे नहीं हो सकते, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेती हूँ। मिस्टर राणा, अपने आदमी से कह दीजिए मेरा इंतजार टेलीफोन बूथ पर करे और सारा माल जल्दी पैक करवा दीजिए। शंभू जाओ। को दिल कर रहा था इसलिए खुद लेने चली आई। ठीक है, तुम घर चलो, लेकिन खाने पर इंतजार नहीं करना, मैं शायद लेट हो जाऊंगा। ये कौन सी नई बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे सुनो गीता, जरा इसे खोलना। क्यों, मेरे भी तलाशी लेना चाहते हो? कोई शक है अपनी बीवी पर? अरे नहीं बाबा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा केक खाना चाहता हूँ। खोलेंगे? हाँ, पाइनएप्पल केक है ना? कैसा है? डिलीशियस, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। थैंक यू, अब तो मैं जा सकती हूँ। चल। भाई वो तुम्हारे पति की वजह से देर हो गई। तुम्हारे पति है ना वो पुलिस इंस्पेक्टर, क्या नाम है उनका? मिस्टर अनिल। वेरी स्मार्ट। ये रहा तुम्हारा माल। मैंने समझा तुम भूल गए। हाँ, राणा की याददाश्त बहुत तेज है, कभी कुछ नहीं भूलता। तो फिर तो तुम्हें ये जगह भी याद होगी जहां तुम कुछ साल पहले अपने आदमियों के साथ आए थे, याद आया? इस जगह को देखकर तो याद आता है कि ये हवेली उस कर्नल की है जिसका हमने जिसका तुमने खून किया था। तुम कौन हो? मैं उसी कर्नल की बेटी हूं। तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। पिंटो को मालूम होगा। कौन पिंटो? वो मनोरी आइलैंड पे लांच वाला मशहूर है। थैंक यू। अब शुरू होता है मेरे जुर्म का बदला। हेलो, यस, डीआईजी वर्मा है। क्या कहा? मर्डर? किसका मर्डर? उसी आदमी का सर, जिसकी तस्वीर आपने देखी थी। यू मीन राणा? कहाँ? सर, झील के किनारे पहाड़ी पर एक जला हुआ मकान है, डेड बॉडी उसी में पाई गई। और ताज्जुब तो यह है सर कि मर्डर पुलिस के रिवॉल्वर से हुआ। व्हाट? माय गॉड। Thank you.
बेबे क्या हो रहा है? पेशेंस खेल रही हूँ डैडी, ये खेल अकेले ही खेला जाता है। क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बेटे, बात ही कुछ ऐसी है। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि कल रात तुम कहीं बाहर गई थी? नहीं तो? तुम्हें मालूम है कल रात पहाड़ी वाले मकान में एक आदमी का खून हो गया है? हो गया होगा, इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि खून उसी आदमी का हुआ है जिसकी तस्वीर इंस्पेक्टर पांडे उस दिन खाने की मेज पे लाया था, तुम्हें याद है? वो तो किसी स्मगलर की तस्वीर थी, उसके दुश्मन ने उसका खून कर दिया होगा। लेकिन खून मेरी रिवॉल्वर से हुआ है। वेरी गुड डैडी, आपने समाज के दुश्मन का खून करके बहुत अच्छा किया, आपको तो मेडल मिलेगा। नहीं, खून मैंने नहीं किया बेटे, पहले उस कातिल ने मेरी रिवॉल्वर चुराई, फिर उसके बाद अपने शिकार का खात्मा कर दिया। डीआईजी के घर में चोरी होना, यह तो बड़े ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात तो यह है कि डीआईजी के घर में 24 घंटे पहरा रहता है, कोई आदमी अंदर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है, मैं अभी चौकीदार से पूछती हूँ। शेर सिंह, कल रात को कोई आया तो नहीं था? नहीं साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। शेर सिंह जी साहब, कल रात को कोई आया तो नहीं था, लेकिन कल रात को वो घर से बाहर गया था। जी साहब, कल रात वो मेम साहब पिछले दवाई से गया था और 2 बजे वापस आ गया साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। भूल से सारा खेल बिगड़ जाता है और एक झूठ से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। गीता, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। डैडी, आप अपनी बहू पे शक कर रहे हैं, वो भी हवलदार के कहने पर? अनिल, शक नहीं, यकीन पर। मेरा तजुर्बा तुम्हारी उम्र से ज्यादा है। गीता खूनी है और उसने राणा का खून किया है, तुम खुद उसे पूछ लो। गीता, तुम्हारा क्या कहना है? मैं कानून से झूठ बोल सकती हूँ, दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। मेरा जवाब ये है। सही है, उसे बाहर भेजो। क्या साहब, अमीर बहने गरीब भाइयों के घर में किधर आता साहब? खून झूठ नहीं बोलता शंभू, गीता जख्मी है और ये उसके खून के निशान है। खून तो अपना ही है साहब। क्या है ना साहब, कुएं के पास रामपुरी चाकू को धार लगा रहा था, कट गया। लेकिन आप उनको एक बात समझ में नहीं आया साहब, आप गीता बहन के क्यों पीछे पड़े हुए? वो मुजरिम है, उसने खून किया है। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर गलत फहमी हुआ है, वो ऐसा नहीं कर सकती। शंभू, वो सिर्फ तुम्हारी मुंह बोली बहन है, मेरी बीवी है। मेम साहब बाहर आ जाइए, आपके पति देव जी गए। ये क्या भैया, तुमने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ काट लिया। देखो मेम साहब, तुमको चाहे चरस की आदत हो या अफीम की, आप उन्हें तुमको एक बार बहन बोल दिया ना, हाथ तो क्या, वक्त आने पर शंभू अपना गर्दन भी कटा देगा। मुझे चरस की आदत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हारे पति रिप छूटे, इसका मतलब तुमने खून नहीं किया। तुमने मुझे बहन माना है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैंने खून किया है, राणा का खून। राणा का?
ओ अब मैं समझा, इसीलिए तुमने ये नाटक किया। मगर क्यों? क्योंकि बचपन में राणा और उसके साथियों ने मेरे माँ बाप का खून कर दिया था और मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया। रोमन, अगर खुदा नाम की कोई चीज है तो किसी ना किसी दिन तुम्हें तुम्हारा भाई जरूर मिल जाएगा। नारी निकेतन, मेरा नाम मिसेस डीसा है। मिसेस, आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। लेकिन ये नन कैसे बन गई आप? तकदीर का बात है, हमारे घर वालों को हमारा काम पसंद नहीं आया और हमको घर छोड़ना पड़ा। कमाल है, इतना नेक काम कर रही हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। आपके धर्म में भी तो मीरा का काम उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा। ये तो अपना अपना नसीब का बात है। अनिल। जी डैडी। तू बाजार जा रहा है? डैडी, ये मिसेस डीसा हैं, हमारी नई पड़ोसी। ये मेरे पिताजी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कभी हमारे घर आइए। जरूर आएगा साहब, आप जैसा नेक आदमी का घर में हम जरूर आएगा। इट्स माय प्लेजर। बेटे, इस फोटो का फ्रेम हो गया है, आतिबा करवा लाना। बनवा लूंगा। आई टेक योर लीव मिसेस डीसा। थैंक यू। ओके, ये आपका वाइफ का फोटो है? हाँ मिसेस डीसा, इस फोटो का शीशा नहीं टूटा, हमारा तकदीर फूट गया है। गॉड ब्लेस। तो इन लड़कियों का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये हर काम में हमारी मदद करेंगी, हम पर जान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। लेकिन अगर ये पकड़ी गई तो इन सब ने कसम खाई है कि आपका राज ही रहेगा। गुड, अब हमारा शिकार है पिंटो। Bye.
हाय हाय, धूप में बदन सेकोगी? नहीं, तो मैं ठंडा करूंगी। हम तो तुम्हें देखते ही ठंडे हो गए थे। कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? आजा मेरी मछली। मछली तो आ गई, खाना कैसे चाहोगी? बॉईल करके या फ्राई करके? इसका मतलब? ये पिस्टल राणा का है और मैं तुमने राणा को कैसे किया था? तुम्हें नहीं मारूंगी, एक शर्त पर। उन हम शक्ल भाइयों का पता बता दो। मुझे नहीं मालूम। बॉम्बे में रहते हैं, पता तो पुलिस को भी नहीं मालूम। वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। ठीक है, तू भी अंडरवर्ल्ड का किंग बन जा। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम। वेलकम 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 मिसेस दिशा, वेलकम। ओ होलिकास, थैंक यू। प्लीज कम, आइए। नमस्ते मेरी दिशा। गॉड ब्लेस यू मदर। क्या बात है, तुम बीमार नजर आता। क्या बताऊं मैडम, पता नहीं भगवान हमसे क्यों रूठ गए हैं। भगवान रूठता नहीं, एग्जाम लेता है। उसके एग्जाम पर सबर करना मांगता। आइए मैडम दिशा, प्लीज कम। आइए बैठिए। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। दिया जी साहब, हम आपका थोड़ा हेल्प लेना मांगता। मेरी हेल्प? फरमाइए। हमारा नारी निकेतन का छोकरी लोग को कुछ गुंडा लोग छेड़ता है। जब भी कुछ बोलो तो वो किसी जेके के नाम का थॉस देता है। हम जानना मांगता है ये जेके कौन है। जेके क्राइम की दुनिया का एक बहुत खतरनाक बदमाश है। ओ, आप हमको उसका एड्रेस दो, हम उसको प्रीचिंग करेगा, एंजल बना देगा। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, पुलिस खुद उसकी तलाश में है। अरे लेकिन मिसेस जी समझ रहे। हेलो मिसेस जी सर। गॉड ब्लेस। बेटे तुम कुछ कह रहे थे ना। हाँ जी, समुद्र के किनारे एक लाश मिली है जिसका नाम पिंटो है, राणा का पुराना दोस्त था। राणा का पुराना दोस्त? इसका मतलब है पिंटो गीता का दूसरा शिकार। नहीं डैडी, मौका है वारदात से पुलिस ने शंभू को भागते हुए पकड़ा है। कल सुबह वो कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शंभू को। वाह वाह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मां कसम तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। बाबा खबरदार, अगर हमें बाबा कहा तो क्या? इसी दिन के लिए हमने तुम्हें सहारा दिया था, तुम्हारी परवरिश की थी हमने। पन आपने किया है क्या? हराम खोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पाटा पिंटो का खून करने की? पन पिंटू का खून आपने किया है नहीं? झूठ बोल हराम खोर। भगवान कसम आपन झूठ नहीं बोलता है बाबा, आपन तो तुम्हारे एहसान के नीचे दबा हुआ है। तुम आपन का जान भी ले लेगा तो आपन उफ भी नहीं करेगा। पर आपन को ये झूठा इल्जाम मत दो, आपन को गाली मत दो हाँ बाबा। तो फिर पिंटू का खून किसने किया? उसी लड़की ने किया होगा जिसने राणा का भी खून किया है। कौन है वो लड़की? मेरी मुंह वाली बहन और इंस्पेक्टर अनिल की बीवी गीता। अब मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई की झलक नजर आ रही है। उस हराम जादी ने राणा का भी खून किया होगा। आंख का बदला आंख, खून का बदला खून, और ये सजा उसे तुम दोगे शंभू। पर आपने तो उसे बहन बनाया ला है। एक तरफ तुम्हारे मुंह बोले बाप का हुक्म है और दूसरी तरफ तुम्हारी मुंह बोली बहन की जिंदगी का सवाल है। फैसला तुम्हारे हाथ में है शंभू। लगता है जिंदगी में तुम्हें माँ बाप भाई बहन किसी का प्यार नहीं मिला। एक तरफ तुम्हारे मुंह बोले बाप का हुक्म है और दूसरी तरफ तुम्हारी मुंह बोली बहन की जिंदगी का सवाल है। लगता है जिंदगी में तुम्हें माँ बाप भाई बहन किसी का प्यार नहीं मिला। एक तरफ तुम्हारे मुंह बोले बाप का हुक्म है और दूसरी तरफ तुम्हारी मुंह बोली बहन की जिंदगी का सवाल है। फैसला तुम्हारे हाथ में है शंभू। सुनो, शंभू किधर रहता है? सामने रहता था। अरे मदर, मुझे बचा लो। मदर नहीं, सिस्टर बोलो। मदर तो होली मेरी होता। हमको लगता है तुम बेगुनाह है। पुलिस बेकार में तुम्हारा पीछा करता। डरो नहीं, हमको मदर की तरफ से तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। फिर तो सिस्टर आपको ये भी दिखता होगा कि बापू के हुक्म ने आपन को कितना मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारा बाप भी है। असल का नहीं है, मुंह बोला है। उसने हमको पाला पोसा बड़ा किया, अब वही हमको बोलता है जाके किसी लड़की का खून करो। तुमको उसका हुक्म मानना चाहिए। लेकिन सिस्टर आपन ने उस लड़की को बहन बोला है। अब देखो ना, एक तरफ बाप समान आदमी का ऑर्डर और दूसरी तरफ मुंह बोली बहन का खून। आप उनको तो कुछ समझ में नहीं आता, सब गड़बड़ घोटाला है। तुम्हारा बाप उस लड़की का जान काहे को लेना मांगता? इसलिए कि उस लड़की ने हमारे बापू के पार्टनर का जान लिया। लेकिन आप उनको समझ में नहीं आता, आप उन गीता का खून कैसे करेगा? लेकिन बापू का हुक्म भी तो। बाप का नाम क्या है? जेके। फिर तो प्रॉब्लम खत्म। हम उसको ऐसा प्रीचिंग करेगा कि वो एंजल बन जाएगा। बस तुम हमको उसका पता दे दो। टेगरी के जंगल में रहता है, मगर सिस्टर तुम वहां नहीं जाना। वो बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है। उसका हर शाम शराब और शबाब में डूबा रहता है। रोजरी टूट गया, अब तुम्हारा बाप का टाइम आ गया। टोनी, टैक्सी ठिकाने लगा दे, चोरी का है। बाबा कहाँ? वो तो उसी गाने वाले के साथ गए जिसे आपने भेजा था। क्या? ये उम्र ये मिजाज, खुदा खैर करे, किसका है कत्ल राज, खुदा खैर करे।
है शर्म लाज खुदा खैर करे हसीनों जवां हैं वो गलियां जहां हमने अपनी जवानी लुटा दी मोहब्बत में लुट जाते हैं दीनों ईमान बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी ये नजर ये मिजाज खुदा खैर करे ये नजर ये मिजाज खुदा खैर करे हम पे ही चोट आज खुदा खैर करे हम पे ही चोट आज खुदा खैर करे ये नहीं छोट ये हकीकत है हमको सच बोलने की आदत है नाम बदला है देश बदला है तेरी खातिर ये भेस बदला है अगर आज तेरी महफिल में खेलने के जज्बात ये अपने दिल में तो तेरा हाथ तो झुकाना है ये तमाशा तुझे दिखाना है कौन किसको झुकाए देखेंगे तेरी जुल्फों के साए देखेंगे ये बदन कांच का बिलौरी है एक रेशम की कच्ची डोरी है इसको एक बार जब भी पकड़ेंगे अपनी बाहों में कस के जकड़ेंगे ये चलन तेरा छूट जाएगा हर भरम तेरा टूट जाएगा हो हमको झुकाने वाले तुझे ये खबर भी है कांटों का है ये ताज खुदा खैर करे कांटों का है ये ताज खुदा खैर करे कांटों का है ये ताज खुदा खैर करे किसका है कत्ल खुदा खैर करे किसका है कैसे मैदान में तू आएगी बोल किस तरह आजमाएगी है इस हार में क्या रखा है छोड़ तकरार में क्या रखा है फिर बता आगे क्या इरादा है पूरा होगा ये अपना वादा है प्यार की दिल में प्यास रखता है मुझसे मिलने की आस रखता है तूने इस दिल की बात कह दी है अपने होंठों के साथ कह दी है रात को खुली फिजाओं में चांद की ठंडी ठंडी छाओं में उन फिजाओं में बोल क्या होगा उन हवाओं में बोल क्या होगा अपनी बाहों का सहारा दूंगी तुझको जन्नत का नजारा कर देंगे अब इलाज खुदा खैर करे कर देंगे अब इलाज खुदा खैर करे कर देंगे अब इलाज खुदा खैर करे और एक जा
सालमन तुम कहाँ? तन्हाई की घड़ियों को खूबसूरत बना रही हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त ताजा हो जाए। पहचानते हो ये धुन? आज गोली मारो इस धुन को। जिस मदर धुन के लिए मैं यहां तक भाग कर आया पहले उसकी तो प्यास बुझा दो जानेमान। वो भी बुझ जाएगी जेके साहब। इस जगह को पहचानते हो? अच्छी तरह से पहचानता हूं। ये वो जगह है जहां पर आज से कुछ साल पहले मैंने और मेरे साथियों ने कर्नल राजेश और उसकी बीवी का खून किया था। और इस खंडर में खड़े होकर मैं तुमको भी पहचान गया हूं। तुम वो हो जिसने मेरे साथियों रानो और पिंटो का खून किया है। तुम गीता हो। अल्फाजों में मुझे तुम अपनी मौत भी कह सकते हो। कौन किसकी मौत है उसका फैसला मेरी पिस्तौल करेगी। तुम्हारा बचपन का पीछा हुआ भाई है। बचपन में सर पे चोट लगने की वजह से सब कुछ भूल गया था लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया। बंटी भैया आओ। नील कुछ पता चला? हाँ दादी, यह कत्ल उसी जगह हुआ है जहां राणा मारा गया था। यू मीन गीता का एक और शिकार? और ये रुमाल मरने वाले की जेब से मिला है। और मौका वादा से ये अंगूठी भी मिली है। लो देखो ये तस्वीर किसकी है? ये तो पड़ोस की मेरे दिशा की है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें नारी निकेतन को फौरन घेर लेना चाहिए। क्यों डैडी? ये मत भूलो कि उसने भागने के लिए कोई चोर दरवाजा भी रखा होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
मिसेस डीसा है। गुड मॉर्निंग, मैं आपका पड़ोसी डीआईजी वर्मा बोल रहा हूँ। जी हाँ, देखिए आज मेरे बेटे की सालगिरह है, अगर आप शाम को तशरीफ ले आए तो बहुत मेहरबानी होगी। हम जरूर आएगा, जरूर आएगा। गॉड ब्लेस योर सन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज बर्थडे गीता, गीता बेटी ये फोन के पीछे मेरे पति की चाल है, उन लोगों ने तुझे पहचान लिया है। तू वहां मत जाना बेटी, तू वहां मत जाना। नहीं माता जी, ये मेरे ससुर का हुक्म है। लेकिन बेटी मैं ये नहीं देख सकती कि एक दिन मेरे घर में तूने सुहाग के कंगन पहने थे और आज आज उसी घर में तुझे हथकड़ियां पहनाई जाए। मम्मी कंगन भी डैडी ने बनाए थे, हथकड़ी भी वही पहनाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर तेरी यही जिद है तो भगवान तेरी रक्षा करे। डिया जी साहब, किधर है डिया जी साहब? आइए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। मेहमान लोग नहीं आया? जब आप आ गई हैं तो चारों तरफ से मेहमान भी आ जाएंगे। तशरीफ रखिए। मिसेस जीसा, मेहमानों के आने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए, क्या है जरूरी बात? मेरे दोस्त हैं डीएसपी मिस्टर गुप्ता। पुलिस वाले का दोस्त पुलिस वाला ही होएगा, कोई खूनी और चोर तो नहीं हो सकता? करेक्ट मिसेस जीसा, मिस्टर गुप्ता का बचपन का एक दोस्त था आर्मी ऑफिसर, चंद बदमाशों से मार डाला। ये पुलिस और आर्मी वालों का लाइफ हमेशा डेंजर में रहता है। तो क्या करें मिसेस जीसा, आखिर सर्विस उठाई। अच्छा तो फिर आपका दोस्त मिस्टर गुप्ता ने क्या किया? उसने अपने दोस्त आर्मी ऑफिसर की बेटी को घर लाकर औलाद की तरह पाला और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। बहुत अच्छा किया, कौर तुम्हारे दोस्त को इनाम देगा। लेकिन मिसेस दीसा, शादी के चंद रोज बाद उस लड़की ने अपने माँ बाप के कातलों में से एक का खून कर दिया। ठीक किया, अपने माँ बाप का खून का बदला लेना इसमें कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन कानून उसने अपने हाथ में लिया और घर से फरार होने के बाद भी भेष बदलकर मिस्टर गुप्ता के घर आने जाने लगी। क्यों नहीं आएगा, वहां उसका ससुर है, हस्बैंड है। मगर मिस्टर गुप्ता ने उसे पहचान लिया और एक दिन प्लान बनाकर उसे अपने घर इनवाइट किया। अब आप ही बताइए मिसेस जीसा, क्या वो लड़की कहीं भाग सकती है? डिया जी साहब, अगर वो लड़की आपका दोस्त मिस्टर गुप्ता के वहां गया होगा तो उसने भी जरूर कोई प्लान बनाया होगा। जब मिस्टर गुप्ता ने मकान के बाहर पुलिस को बुला लिया होगा तो उस लड़की का प्लान क्या हो सकता है? डीए जी साहब, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जौहरी बाजार में बहुत बड़ा ज्वेलरी का चोरी हुआ। मान लीजिए पुलिस आता है और वो लड़की बोलता है कि डीएसपी गुप्ता और वो मिलके चोरी किया तो? लेकिन ये बात वो लड़की साबित कैसे करेगी? क्यों, अगर तलाशी लेने पर मिस्टर गुप्ता की जेब में से नेकलेस निकला तो आपका दोस्त का कंडीशन क्या होएगा? अगर ऐसा हुआ तो बेचारे मिस्टर गुप्ता मुसीबत में आ जाएंगे। और ये भी होने को सकता है कि बाकी का गोल्ड ऑर्नामेंट्स उस लड़की ने मिस्टर गुप्ता के यहाँ छुपा दिया हो। हैं? मगर कहाँ छुपा सकती है, घर में और लोग भी तो हैं। तो क्या हुआ डीआईजी साहब, घर में और जगह भी है, जैसे ये फ्लावर वास में छुपा सकता है। खैर छोड़िए मिसेस जी साहब बातों को, गुप्ता साहब की बात तो गुप्ता जी जाने। लेकिन आप ये फूल बहुत अच्छे लाए। बिल्कुल फ्रेश है, जरा सुन के देखिए। Thank you.
साहब, आपका तबीयत गार्डन गार्डन हो गया ना? एकदम गार्डन हो गया, एकदम गार्डन। हमको एक बात समझ में नहीं आया, वो छोकरी मिस्टर गुप्ता के घर से भागी कैसे? आइए मैं आपको पूरा नक्शा बताता हूँ, आइए। प्लीज कम। आफ्टर यू। आइए प्लीज। मिस्टर गुप्ता का बेडरूम समझ लीजिए कुछ ऐसा ही था, और मिस्टर गुप्ता यहां खड़े थे जहां मैं खड़ा हूं, और उनकी बहू वहां खड़ी थी। जरा पीछे जाइए आप जी, और उनका बेटा वहां खड़ा था। अब आप बताइए, ऐसी हालत में मिस्टर गुप्ता की बहू भाग कैसे सकती है? दिया जी साहब, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आसान? वो कैसे? ऐसे। बाबू सर पीछे करो। क्या हुआ? मेरा पेट खुल गया, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे संभालो, मुझे लगता है पुलिस के डर से बेहोश हो गई है, इसे कहीं छुपा देना चाहिए। मुन्ना जी का घर ठीक रहेगा, वहाँ किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। बराबर है, ले चलो। मुन्ना जी क्या हुआ बेटी? हुआ नहीं, होगा। क्या होगा? ये तो मालूम नहीं, लेकिन शंभू मामा जरूर बनेगा। या अल्लाह, तो इन दोनों बच्चों को अपनी रहमत के साये में रखना। देखो शंकर जी, आप इनकी सब बातें तुम सुन लेता है मगर जवाब नहीं देता। चलो कोई बात नहीं, आज भी सुन लो मगर बात बहुत सीरियस है, अच्छी तरह सुन लो। क्या है ना, आप उनको अपने बारे में कोई फिक्र नहीं, मगर आप उनकी एक छोटी बहन है ना, वो मां बनने वाली है। अब क्या है, उसका सारा जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। अपन कुछ नहीं जानता, अपन जाता है। ये लो प्रसाद बेटा। धन्यवाद। आशमान रहो। आपन तो घबरा ही गया था, मगर भगवान ने अपने अंधेरे को उजाले में बदल दिया। अब तुझे आराम की जरूरत है। नहीं भैया, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा मैं आराम नहीं करूंगी। फिर वही बात, अरे तू तो नई जिंदगी को जन्म देने वाली है, दूसरे की जिंदगी कैसे लेगी? लूंगी, जरूर लूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, प्रसाद तो खा ले, भगवान के मंदिर का प्रसाद है। क्या हुआ गीता? यही तो है मेरा चौथा और आखिरी शिकार, राम। भगवान तेरा भी जवाब नहीं, मगर ये हराम ज्यादा तो कब से जेल में है, उम्र कैद काट रहा है, लेकिन तू तो फिक्र न कर, इसे खलास करने के लिए आपने खुद जेल जाएगा। आप उन्हें अपने आप को कानून के हवाले करने आया साहब। शंभू, तो फिर इतने दिन पुलिस से क्यों छुपे रहे? इन सब बातों से आपको क्या मतलब साहब? कानून का अपन का जरूरत था ना, अपन आ गया है, भेज दो अंदर। नायक साहब, गिरफ्तार कर लो। चलो, इस बार तुम्हारा प्रोग्राम सेंट्रल जेल का बना है। प्रोग्राम अपन का बना है, तुमको काय का काम है? चलो हंसो। नायक चलो चलो, चलो।
तेरे हाथ की रेखाएं बतला रही हैं कि बच्चे तेरा टाइम आ गया है। आए देखता नहीं कि संग्राम के डर से बाकी के सब कैदी दस दस गज दूर खड़े हैं। आप उनका टाइम तो बाहर जाके आएगा, लेकिन आप उनको लगता है तो इन्हीं जेल की दीवारों के अंदर ही मर जाएगा अगर आप उनको नहीं पहचाना तो। अबे कौन है तू? आप उनका नाम शंभू है और तुमको बाहर निकालने के लिए जेके ने भेजा है। जेके, फिर तो जरूर उस कुत्ते का पिल्ले का कोई बड़ा काम फंस गया होगा, तभी तो साले ने अपन को याद किया है। नहीं तो अपने किसी चूहे से ना करा लेता, शेर को क्यों याद करता है? सही बात है, पर मां कसम अपन को एक बात समझ में नहीं आया। क्या? इतना बड़ा शेर होकर ये लोहे के पिंजरे में क्यों बंद हो? अबे भेड़ो भाई, अपनी पुरानी कमजोरी यार। कमजोरी? कौन सा कमजोरी? अबे इसका नहीं, इसका। अच्छा, वो क्या भेड़ो, अपन ने कई लोंडियों को अपना वाइफ बनाकर उनका लाइफ बना दिया। फिर तो तुम बहुत शादी मनाया होगा। बस शादी नहीं बनाया, बाकी सब कुछ कर डाला। जो मजा लोहे की हथकड़ी में है ना, खून की हथकड़ी में कहा। बस ऐसे एक दिन नमकीन छोकरी फंस गई और अपन जोरी का माल लूट कर सीधा उसके घर पर जा पहुंचे। चलो अपनी बहन को संभालो, आप पुन चलता है। हमारी इज्जत का मजाक उड़ाकर तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। इज्जत? अरे इज्जत की कीमत तो हमने हीरे मोती दे के चुका दी, यकीन नहीं है तो चादर हटाकर अपनी बहन का जिस्म देख लो। संग्राम के नाम की मोहर हर जगह लगी हुई है, यकीन नहीं हो रहा ना? खैर कमीने, आप चकुकी नाम की मोहर तेरे जिस्म पर हर जगह लगेगी। साले और बनाओ के बीच में इसकी क्या जरूरत है? Thank you.
अब बता बेड़ो, इसमें अपन का क्या कसूर? ये साला भाई बहन का रिश्ता कुछ मजाक सा है। देख बेड़ो, भाई बहन की शादी करवाता है, मामा बनता है, लड्डू मारता है। बहन की शादी के बिना मामा बनता है तो ससुरा चाकू दिखाता है। ये साला दुनिया का सिस्टम अपन को समझ में नहीं आया है। तुमको कुछ समझ में आया है? नहीं। अनिल, ये तुम्हारा बदमाश साला शंभू मेरी समझ में नहीं आया? वो एक जज्बाती गुंडा है, गरीबों का हमदर्द। पहली बार खून के चक्कर में पकड़ा गया, कानून से भागने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि भागना मुश्किल है तो अपने आप को उसने कानून के हवाले कर दिया। ये कहानी तो शंभू की है, लेकिन इसका गीता की कहानी से क्या वास्ता? इस फाइल के हिसाब से जब तुमने राणा के होटल पर रेड मारी तो वहां पर शंभू और गीता दोनों मौजूद। गीता जब घर से भागी तो उसी बस्ती की तरफ भागी जहां शंभू रहता है। शंभू का पीछा करते हुए जब पुलिस हमारे बंगले के सामने आई तो शंभू गायब हो चुका था, क्योंकि हमारे पड़ोस में नारी निकेतन था और मैडम दिशा गीता ही थी। और गीता जब मिसेस दिशा बनकर भागी तो उसे भी उसी बस्ती की तरफ भागते हुए देखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि शंभू और गीता दोनों मिले हुए हैं और वह बस्ती गीता की पनाह। सारे घर देख डाले? सर मुल्ला जी का घर बचा सर, मगर वहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां सवाल पैदा नहीं होता वहीं जवाब मिलता है। कौन सा घर है मुल्ला जी का? चलो चलिए सर। साहब हम अल्लाह वाले लोग हैं और अल्लाह के सिवा किसी से कोई वास्ता नहीं। मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, हमें भी अपना फर्ज निभाना पड़ता है। मैं आपके फर्ज के आगे नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी को दर्द हो रहा है और वो बच्चे की माँ बनने वाली। हे भगवान। भगवान नहीं, अल्लाह बोलो। अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान करेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मुल्ला जी, लड़के की हालत बहुत खराब है, जच्चा और बच्चा का बचना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें राइमा? मैं मजबूर हूँ, अस्पताल लेके जाइए, ऑपरेशन होगा, शायद बच जाए। या अल्लाह, आप क्या करें? आपा आपा, बाहर पुलिस है और मेहमान लड़की की जान खतरे में, उसे अस्पताल ले जाना भी नामुमकिन है। इसका मतलब है जो है और जो आने वाला है, यानी दोनों नहीं बचेंगे। जिंदगी और मौत का फैसला इंसान के हाथ में नहीं है भाईजान। आप लोग अपने फराइज अंजाम दीजिए, मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में फरियाद करती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह। मुल्ला जी, ये गुफरन बहन को लड़का हुआ है। शुक्र है परवरदिगार का। जच्चा बच्चा दोनों ठीक तो है ना? हाँ, दोनों ठीक है। बेटी जरा पर्दा करवा दो। जी। इंस्पेक्टर साहब हमारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक। मुल्ला जी अंदर आ जाइए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। तुम लोग अंदर तलाशी लो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कितना प्यारा बच्चा है ये। वाकई बहुत प्यारा बच्चा है।
पैदा होते ही आपका ही साया पड़ा है इस पे। इंशाअल्लाह एक दिन ये भी बड़ा होकर जरूर इंस्पेक्टर बने। क्यों नहीं, लेकिन ये इतना रोते रहे। हाँ रो मुन्ना, चुप रहो। अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है। साहब अंदर तो कोई नहीं है। तकलीफ नहीं, माफी चाहता हूँ जी। कोई बात नहीं। चलो चलो, खाने की छुट्टी हो गई, चलो जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो तुम लोग भी, खाने की छुट्टी हो गई। भाई जरा हाथ कड़ी तो खोल दो, वरना प्लेट उठाएगा ये, खाऊंगा मैं। ठीक है बाद में लगा दूंगा। चलो आ जाओ। हेलो, खुद खाने के बाद यार मेरे लिए भी ले आना। अरे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, प्रसाद लेने नहीं। ये ले। अबे कुल्ला संग्राम सिंह के हुक्म पर ठुकराया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अबे आहिस्ते, लोहे की है, लोहे की है। जेल से निकलने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है मेरे बाप। अबे इतनी जल्दी नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। शक हो जाएगा? अरे लोहे की है, लोहे की है। मार दूंगा तुझको। हेलो हेलो, पुलिस हॉस्पिटल, दो कैदी आपस में लड़ते लड़ते जख्मी हो गए, फौरन एम्बुलेंस भेज दीजिए। स्पीकिंग। क्या कहा? शंभू संग्राम जैसे खतरनाक कैदी के साथ भाग गया? ओ माय गॉड। ऑफिसर अनिल जहां भी हो उसे खबर भेज दो। ओके। तुमने उन्हें सब घरों की तलाशी ले ली? सलाम साहब। अरे शेर खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं रहता साहब, वो सामने वाले मकान में। ओ, तब तो तुम इस बस्ती में सबको जानते होगे। जी। इस बस्ती में एक कातिल लड़की छुपी हुई है। लड़की? हाँ साहब, एक लड़की मुल्ला जी के घर में रह रही है। हाँ, वो नहीं, वो तो मुल्ला जी की अपनी बेटी है। नहीं साहब, मुल्ला जी का खुदा ने कोई औलाद ही नहीं दी। 15 साल से रहता हूँ साहब, कभी कोई लड़की नहीं देखी वहाँ पे। मुल्ला जी, गीता कहाँ है? जी वो तो चली गई। चली गई? आप जानते हैं कि वो कातिल है, और फिर भी आपने उसको यहाँ पना दी। आईजी साहब का मैसेज है कि शंभू संग्राम के साथ जेल से भाग गया। अभी यहाँ पर खतरे का कोई बात नहीं है, यहाँ पे पुलिस का क्या, पुलिस का बाप भी नहीं आ सकता।
जमीन से ऊपर आसमान के नीचे यहाँ पर सिर्फ अपन का राज चलता है। अब बता तूने मुझे क्या समझ रखा है, अलीबाग का बुद्धू या उल्लू का पट्टा? क्या मतलब? एक मिनट, क्या चाहता है तू मुझसे? अरे भाई ये जुबानी बातों में पिस्तौल कहां से आ गई? बको मत। कुछ बातों का जवाब सिर्फ तमंचे से ही मिल सकता है और मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे झूठ को ना पकड़ सकूं। मेरे भाई जेके को मरे हुए बहुत से दिन हो चुके हैं और ये बात अखबार में छप चुकी है और तुम शायद भूल गए हो कि अखबारें जेल के अंदर भी आ सकती हैं। जल्दी बोलो वरना मेरे तमंचे को ज्यादा देर खामोश रहने की आदत नहीं है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हारी असलियत क्या है? अपन भी तुमसे ज्यादा आंख में चोले नहीं खेलना चाहता है। चलो बता ही देते हैं कि हम कौन हैं। बंटी का नाम याद है तुमको? कौन बंटी? अपने भेजे पर जरा जोर लगाओ तो सब बात समझ में आ जाएगी। याद है आज से 15 साल पहले तुमने और तुम्हारे भाई जेके और 2 आदमियों के साथ मिलकर किसी कनर साहब और उनकी बीवी की हत्या की थी। ये जो शंभू खड़ेला है ना इधर, उन्हीं का बेटा बंटी है और तेरे खून का प्यासा है। बहुत खूब। तू और कहीं होता तो शायद मैं तेरी जिंदगी को बख्श देता, लेकिन सांप के बेटे से पोले की जिंदगी को बख्शना मैंने नहीं सीखा है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ऑफिसर की हैसियत से नहीं, एक पति की हैसियत से कह रहा हूं, कानून को अपने हाथ में मत लो, इससे तुम कानून की नजरों में और भी संगीन मुजरिम बन जाओगे। बॉस, इंस्पेक्टर अनिल खच्चर। खबरदार, अपने पापी हाथ मेरे बच्चे को मत लगाना। ए छोकरी, ये पिल्ला मेरा हवाले कर दे वरना तमंचे की छे गोली इसके भेजे में उतार दूंगा।
अब आएगा खेल का मजा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे पिल्ले की नन्ही मुन्नी जान मेरे कब्जे में है। डीआईजी साहब, अगर मुझ पर किसी ने भी गोली चलाने की कोशिश की तो तुम्हारे घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दूंगा। बंदूकें नीचे कर दो। इस पिल्ले की मौत के जिम्मेदार आप होंगे इंस्पेक्टर। तुम लोग यहीं खड़े रहो। ओके बॉस। ख्याल रखो। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर थी। गीता बेटी, ये लीजिए डैडी, अपने घर का चिराग। मुझे अपने जुर्मों का इकबाल है, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। हथकड़ी लगाओ। और आप उनको भी, आज हम भाई बहन का वो बदला पूरा हुआ जो हमारे जिंदगी पर हमारे माँ बाप का कर्ज था। कानून हमें जो भी सजा देगा आप उनको मंजूर है। जाहिर